फिर ना इधर उधर भागना, इधर उधर जाना, खत्म, अपने खेत पर है, अपने खेत में काम करे, कुदरत भगवान दे। जो कितने हैं परिवार में आदमी, कितने सदस्य? तीन तो हमारे पिताजी और हो गए जी, अच्छा, एक बाबा जी, अच्छा अच्छा, और हम दो भाई हैं, ताऊ जी के दो भाई, दो बेटे हैं, अच्छा अच्छा, और हमारे चाचा है, उनके भी दो बच्चे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सब पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में सदस्य कितने टोटल? सदस्य हैं 15 सदस्य हैं, 1500 की जमीन उनके बंटवारे में आई थी। 125 बीघे? हाँ। अच्छा, उनके मतलब उनके पिताजी के नाम 125 बीघे जमीन, उनके पिताजी के नाम। आज भविष्य में कितनी जमीन है? आज उनके पास है जी 750-800, 6-7 ट्रैक्टर है। 60 ट्रैक्टर? कौन कौन से? ये सारे नीले नीले दिखाई दे रहे हैं। फार्म ट्रैक है तीन तो। अच्छा अच्छा, एक 5911 है जी एचएम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं गांव रनखंडी में, जो कि जिला सहारनपुर में पड़ता है, धर्मपाल ठाकुर जी के मकान पर। मकान तो उन्होंने शानदार बनाया हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में आने का मकसद, इनका जो परिवार है सब इकट्ठा रहता है, और उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है भाइयों, इनके बड़ों के पास मात्र 125 बीघा ज़मीन थी, और आज की डेट में, वर्तमान में मैं बात करूं तो 800 बीघा से ज़्यादा इनके पास ज़मीन है। कैसे किया, कैसे बढ़ाया सब कुछ, ये पूरे एरिए की किसानों की हस्ती हैं। इनके पास 800 बीघे ज़मीन है। इन भाई ठाकुर साहब ने अपने जीवन में इतनी मेहनत करी, काफ़ी ज़मीन अपनी बड़ों की बढ़ाई, और ये जो आप एरिया देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, 9 बीघे में ये इनका मकान बना हुआ है। इनके पोतों से हम आपकी बात करवाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है भाइयों वीडियो बनाने में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बड़ों के बारे में बताओ, और अपना नाम बताओ दोनों भाई। मेरा नाम अंकित पुंडीर है जी। जी आपका? मेरा नाम सचिन पुंडीर है। अच्छा 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 अच्छा, आपके बाबा जी, हाँ, पिताजी का और बाबा जी का नाम बताओ। बाबा जी नाम ठाकुर धर्मपाल सिंह। अच्छा। पिताजी का श्रीमान प्रमोद पुंडीर। अच्छा अच्छा, चलिए चलते चलते बात करते हैं, धूप है। उनके इस समय जो जमीन आई थी कितनी आई थी? जब इस समय बंटवारा हुआ था तो 125 बीघे जमीन उनके बंटवारे में आई थी। 125 बीघे? हाँ। अच्छा, उनके मतलब उनके पिताजी के नाम 125 बीघे जमीन, उनके पिताजी के नाम। आज भविष्य में कितनी जमीन है? आज उनके पास है जी 750-800 बीघे। अच्छा, इतनी मेहनत की उन्होंने, कैसे बढ़ाई? बहुत मेहनत है जी, परिश्रम है, मेहनत तो बहुत करते हैं। ऐसा क्या किया? हमारे पिताजी और तीन भाई हैं वो जी, और हमारे बाबा जी। अच्छा अच्छा, उन लोगों ने परिश्रम करा, मेहनत करी, तो आज उसका नतीजा आया। अच्छा, आपके ताऊ चाचा तीन है? तीन है जी। अच्छा, संयुक्त परिवार है हमारा। अच्छा, संयुक्त। कितने है परिवार में आदमी, कितने सदस्य? तीन तो हमारे पिताजी और हो गए जी। अच्छा अच्छा, एक बाबा जी। अच्छा अच्छा, और हम दो भाई हैं। अच्छा, ताऊ जी के दो भाई, दो बेटे हैं। अच्छा अच्छा, और हमारे चाचा है, उनके भी दो बच्चे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सब पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में सदस्य कितने टोटल? सदस्य है जी 15 सदस्य हैं, 15-16 सदस्य। 15 सदस्य? हाँ। अच्छा, यही मकान में रहते हो कि शहर वहर में बना हुआ है? ये एक मकान यहाँ, एक शहर में, शहर पड़ता है हमारा देवबंद। अच्छा अच्छा, एक अच्छा, मकान। अच्छा मैं बताओ, ये मकान तो काफी पुराना है, आपके बाबा जी ने बनाया है? हाँ जी, बाबा जी ने मकान। अच्छा, नए जमाने का मकान बनाने का मन नहीं करता? बस जो आधुनिक मकान है वो हमने देवबंद बना लिया, बस जमीन है जी। जी, वो ऐसा है, वो पुराने ख्यालात के आदमी है आपके बाबा जी। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने ज्यादा मतलब है नहीं मकान वकान से, जमीन ज्यादा उन्होंने जमीन पर ध्यान दिया। अच्छा, मतलब बोलते हो कि भाई मकान है तो इसमें रहो। हाँ, हम जमीन खरीद देंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मेन खेती कौन कौन सी करते हो सर? मेन बस गन्ने खेती है जी, गन्ने की। गन्ने के आओगे तो आपके ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर कितने हैं? ट्रैक्टर हमारे पास है 6-7 ट्रैक्टर हैं। 60 ट्रैक्टर? कौन कौन से? ये सारे नीले नीले दिखाई दे रहे हैं। फार्म ट्रैक है तीन तो। अच्छा अच्छा, एक 5911 है जी एचएमटी। अच्छा। एक एचएमटी 3511 है, एक 4-3600 है। आप पढ़ते हो या खेती भी करते हैं? हम पढ़ते हैं जी। अच्छा, खेती कौन कौन देखता है? पिताजी देखते हैं, नौकर देखते हैं, बाबा जी देखते हैं। हाँ बाबा जी देखते हैं। चलिए, और बताइए कुछ अपने बड़ों के बारे में, इस गाँव के बारे में, इस गाँव के इतिहास के बारे में। ये गाँव बेसिकली महाभारत कालीन गांव है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, अच्छा लगेगा। ये हमारा जो रणखंभ, जो महाभारत का युद्ध था ना जी, जी, उसके लिए रणखंभ यहाँ पे गड़ा था। अच्छा अच्छा, तो किसी कारण वह रणखंडित यहाँ से हो गया था, तो जो युद्ध था वे कुरुक्षेत्र जाकर हुआ। अच्छा अच्छा, तो इसी के नाम पे रणखंडी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, रणखंडी इसलिए हो गया होगा, मतलब वहाँ वो रणखंडित हो गया था, तो जैसे रण का खंभ था वो खाड़ ले गया, तो उसके नाम पे रणखंडी है उसका नाम। अच्छा, बात करें बिरादरी कौन कौन लोग रहते गाँव में? ठाकुर बहुल्य गाँव है, पुंडी बहुल्य है। अच्छा अच्छा, कितनी वोट है हमारे गांव की? तकरीबन है जी 10-12 हज़ार वोट है। अच्छा, और कोई यहाँ सरकारी विभाग से बड़ा आदमी कोई ESP SC हुआ गांव की खास बात? एक अभी हाल फिलहाल ही सौरभ शायद नाम है लड़के का जी, जी, वो SDM हमारे गांव से। SDM है? ये बहुत बढ़िया बात है, इसलिए पूछ रहे हैं, वो गांव की पूरी हिस्ट्री पता लगनी चाहिए जब हम वीडियो बनाने आएंगे। और हमारे गाँव में आप ही देख रहे सामने ही पास में जी जी, ये तकरीबन 150
बेड का अस्पताल है जी। अच्छा, सरकारी है? सरकारी अस्पताल। बहुत बढ़िया जी। और इसके सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो डिग्री कॉलेज के है जी जी। फिर उसके सामने जो है इंटर कॉलेज है। अच्छा अच्छा, सरकारी अस्पताल है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी सरकारी सुविधा हमारे गांव में तकरीबन सारी उपलब्ध है। अच्छा, आप बात करते हैं इस गांव की, नशा पत्ती ज्यादा तो नहीं है? नहीं, इतना तो खास ज्यादा नशा पत्ती नहीं। मेरा इस सवाल को मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी। अक्षय कुमार तो मैं हूँ नहीं कि गुटखा का प्रचार करूंगा। आज तो बड़े बड़े हीरो प्रचार कर रहे हैं, पर हम प्रचार नहीं करते। सही बात, करना भी। आपके परिवार में कोई नशा पत्ती नहीं? आपके बाबा जी दादाजी कुछ ना जाना? तो कामयाबी का श्रेय मैं तो वही इसी चीज को दूंगा, जहाँ नशा नहीं होता वो घर कामयाबी है। हाँ जी। आप कुछ शौक बियर वियर कभी? ना जी, कभी कुछ नहीं? कुछ नहीं जी। अच्छा। पान कुछ नहीं। तो आगे क्या करने का इरादा है? जमीन ही इतनी है, नौकरी करोगे या क्या, कैसे? बस देखो जी, बिजनेस करने का इरादा है जी। अच्छा हाँ जी। अपनी खेती देखेंगे, खेती देखेंगे। चलिए, अब आपको हम इनका भाई घर दिखा देते हैं। ये इनका पहला ट्रैक्टर है, HMT 5911। ये सबसे पहला ट्रैक्टर होगा? नहीं, सबसे पहला है जी फोर्ड। फोर्ड खेत में है वैसे। अच्छा, वो खेत में है, ये देख लो भाइयों। अच्छा सर, हमें बताइए कितने कमरे कितने हैं इसमें, रूम मकान में? हमारे मकान में जी गिने नहीं कभी। हाँ जी, अक्सर मैं सबसे पूछता हूँ, यहाँ आके गोड़ हो जाता है किसान। हाँ, मतलब 22-24 कमरे? नहीं नहीं, ज़्यादा कमरे हैं। ज़्यादा ही होंगे इसमें? देख लो भाई, ये पूरा इनका मकान है, ये देख लो। ठीक है, ज़्यादा ही होंगे? हाँ जी, 22-24 कमरे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये इनके कृषि यंत्र है, 750 बीघा ज़मीन। ठीक है जी, ये देख लो भाई, धर्मपाल ठाकुर जी। ये इनका 7 ट्रैक्टर इनके पास, 7। ये फार्म ट्रैक है, ये फोर्ड है, ये सबसे पुराना ट्रैक्टर है। ये भी नहीं, जंगल में? अच्छा, वो जंगल में है, ये भी फार्मर ट्रैक है। अच्छा, हमें बताइए जमीन कैसी है, खादर की है या पक्की जमीन है? पक्की जमीन है। पक्की जमीन है अपने पास। चलिए, बहुत। ये देख लो जी, इनका नीचे का एरिया है और ऊपर का मकान है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया, पुराने ख्यालात के आदमी हैं, आपसे उनकी बात भी करा देते हैं। मकान का नाम अगर ये इनके पोते भी लेते हैं तो बोलते हैं क्या दिक्कत है इसी में रहो, जमीन खरीदने पर ध्यान है। हाँ जी। अच्छा, अभी भी खरीदते रहते होंगे? हाँ जी, अगर मिल जाओ। अच्छा चलिए चलिए, हम आपको मिला देते हैं धर्मपाल जी से। क्यों लगाए थे उन्होंने? जो जय बोले आया। ये देख लो जी, ये इनका वह है, इनको पता नहीं नहीं मैं। ये हमारे धर्मपाल जी। बाबा जी नमस्ते। हमें तो तुम लोग आ रहे थे शहर जा रहे, या तो गलत बात है सारी जी? नहीं, नहीं तो आप तो हो। मैं क्या करूं? क्यों करने, क्यों नहीं, इतना काम करते, कुछ नहीं है तो कोई नहीं भाई। आपने इतनी मेहनत करी, ये पंखा बंद कर दिया सर? बंद कर। ठीक है, आपने इतनी मेहनत करी अपने जीवन में? जी जी। ठीक है, तो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। उसमें लिखवाओगे, अखबार में कढ़वाओगे? अच्छा। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा। मैं किसानों की वीडियो बनाऊँ जिन्होंने मतलब अच्छा मेहनत करी अपने जीवन में, दिन रात एक करी। जी जी। हमें आप ये बताओ धर्मपाल जी, जी जी, आपने इतनी मेहनत करी, जो हमारे युवा किसान है, आप देख रहे हो अगर नौकरी 40-50-10-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके उन्होंने क्या कहना चाहोगे आप? अपनी बड़ों की संपत्ति कैसे बढ़ाएं जैसे आपने बढ़ाई? जी जी। क्या मंत्र है बताओ? वो मंत्र में मेहनत करेंगे तो कुदरत को, मेहनत तो सब करेगा, फिर भी थोड़ा बताओ कैसे करें मेहनत? कैसे भाई, मेहनत खेत में करेगा तो फसल होगी, आगे फसल अच्छा होगी, तरक्की होगी। अच्छा, जब मेहनत नहीं करने आ खेत में, फिर तरक्की कहाँ तो होगी? अच्छा, जो आदमी खेत में तो करना चाहता नहीं, इधर उधर घूमना, नौकरी के चक्कर में कर फिर रहे। और अपने खर्चे कम रखो, अपने खर्चे कम। देख लो जी, धर्मपाल जी बिल्कुल सिंपल आदमी है। ठीक है, मकान आपने बनाया था जी? अच्छा, मतलब सब काम ही अपना ही करा आपने किया था। कितना पुराना मकान हो गया? ऐसा होगा 60-70 साल पुराना? नहीं नहीं, 70। अच्छा अच्छा, 50-55 साल, 50 साल 50 साल पुराना है। अच्छा, काफी तरक्की करी। हाँ जी, वो भगवान ने करी। नहीं, आपने करी है, सब इकट्ठे रहते हैं। हाँ, सब इकट्ठे रहते, इकट्ठे। कभी लड़ाई झगड़ा कैसे मेंटेन करते हैं? ना ना ना, इकट्ठे सब में प्यार आपस में। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो वहाँ होगा जहाँ बेईमान ना हो। जहाँ बेईमान ना होगा, जहाँ बेईमान ना नहीं, वहाँ से झगड़ा कोई सवाल। खेती खुद ही करते हो? हाँ, खुद लड़के लगे रहे। लड़के लगे रहे। खेती में क्या क्या करते हो बेसिकली? हाँ जी, खेती में क्या क्या फसल, कौन कौन सी हो रही है? हमारे यहाँ तो ज्यादातर गन्ने की फसल ही हो। गन्ने की? हाँ, गन्ना बोल रहा है, गेहूँ बोल रहा है। अच्छा, यही फसल है। उम्र कितनी हो गई? 83-83 साल की। 83 साल की उम्र, बिल्कुल फिट। हाँ जी।
दिनचर्या उठना कहूँ काम अपना धंधा कोई दिक्कत बीमारी शिमारी कुछ नहीं है नशा पत्ती ना कुछ बीड़ी पत्ता कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब यही मतलब एक सफलता का राज है जिस घर में नशा नहीं होगा वो कामयाब नशा पता कुछ नहीं बिल्कुल अच्छा हमें मना क्यों कर रहे थे जब हमने पूछा भाई धर्मपाल जी इतने सज्जन आदमी है जब हमें इनसे पूछा धर्मपाल जी कौन है इन्होंने हमें बोल दिया भाई हम वो तो शहर गए हैं ठीक है जी बिल्कुल देख लो सिंपल आदमी है बिल्कुल ठीक है कोई बोल नहीं सकता इनको देखकर इनके पास इतनी संपत्ति है ठीक है जी ये देख लो अच्छा धर्मपाल जी अंत में हमें जो हमारे बच्चे हैं किसानों के किसान कामयाब कैसे हो उसके बारे में अपने जीवन आपका 80 साल का अनुभव किसान तो जी कामयाब जब होगा जब अपने खेत पर ध्यान होगा अच्छा अच्छा अपने खेत पर ध्यान होगा अपने खेत की लगन होगी हमें फसल लेनी है हमें वो काम करना है हमें दूसरे की लालसा नहीं करनी अपने काम पर ध्यान दे अपने काम पर चौकड़ी खत्म हाँ जी इधर उधर फिरना इधर उधर भागना इधर उधर जाना खत्म अपने खेत पर है अपने खेत में काम करे कुदरत भगवान दे भगवान दे खुद ही दे जब करेगा तो मिलेगा जब करने का हाथ मिलेगा बिल्कुल सही बात है बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छा नशा पानी नहीं होना चाहिए हाँ ये तो नशे की जड़ है बिल्कुल ये तो नाश की जड़ है बिल्कुल नाश की जड़ है परिवार के परिवार खत्म हो गए आपके बच्चे पोते बिल्कुल कोई नहीं कुछ ना जी ना जब आपने नहीं किया जब संगत में नहीं तो लड़का लड़का एक आध कर ले लेकिन पोते बहुत साफ सुथरे अच्छा ये नहीं करते अच्छा गोद बता दो एक बार अपना आपके पोते जवान हो गए हाँ जी भाई मकान तो आपका दिखाई दिया जमीन भी बता दी हाँ जी हाँ गोद क्या है पुंडीर है पुंडीर है पुंडीर गोद है भाई इनका दो पोते हैं आपके हाँ जी दो पोते हैं नहीं तीन लड़के हैं तीनों के दो दो लड़के तीनों के दो दो लड़के अच्छा दो मतलब छह पोते हैं हाँ जी शादी किन किन की होगी शादी होगी जी दो की होगी अच्छा चलिए बहुत बढ़िया जी अब हमें अपने कुछ गाँव के इतिहास के बारे में किस बारे में गाँव का इतिहास कोई मतलब यहाँ भाई ये तरक्की की हो इस आदमी ने इस गाँव में कोई एस डी एम हो डी एम हो इस गाँव न डीएम वगैरह तो है नहीं लेकिन पछाड़ पट्टी में डॉक्टर है सर्जन राजकुमार अच्छा उनके बारे में बता दो थोड़ा हाँ वो छोटा सा परिवार है बहुत बढ़िया क्या नाम है उनका राजकुमार अच्छा राजकुमार जी कहाँ के सर्जन है कहाँ है वो गाजियाबाद अस्पताल है अच्छा गाजियाबाद अच्छा वाइफ भी डॉक्टर है चलिए पीछे का नंबर वन है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपते हो कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं ना काम पे ध्यान है बिल्कुल काम पे अच्छा इन गांव इस गांव में और कोई खास बात क्योंकि भाई पूरे गांव की वीडियो बन रही है पूरा गांव देखेगा पूरा जिला देखेगा जी जी जैसे कि आपके लड़के ने बताया ये गांव मतलब भारतकालीन ऐतिहासिक गांव है ऐतिहासिक गांव पहले से ही है ठीक है जी जी अच्छा महाराणा प्रताप जी की यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है ये किसने लगवाई थी पूरे गांव नहीं लगा पूरे गांव अभी लगवाई है पहले से ही नहीं दो साल हो गए 2 साल हो गए अच्छा अच्छा और डॉक्टर के बारे में बता रहे थे वो भी वीडियो देखेंगे आप बता दो उनका नाम डॉक्टर राजकुमार सिंह अच्छा पछाए पट्टी से अच्छा 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 जी सर्जन है सर्जन है अच्छा एक लड़का एसडीएम बना पछाई पट्टी से अच्छा उनका क्या नाम है उसका नाम अच्छा 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपको मिलवाया धर्मपाल जी से ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं फिलहाल की वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी किसानों से संबंधित अगली नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू वीडियो देखने